आपने सुंदर गीत दिया है लेकिन मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगी, कुछ को कट कर दूंगी क्योंकि समय के बंधन में बांध दिया है। जब फिल्मी दुनिया की लाइनें ही 8-10 होंगी लेकिन आए सुने सुने मुझ पे कितने हुए कि मुझ पे कितने हुए क्या बताऊं, अगर लिखेगा कोई तो रो देगा कलम कि मेरी तरह कोई सुहागन न हो मेरी तरह कोई सुहागन न हो कोई दुल्हन जहां में अभागन न हो अभागन न हो अभागन न हो होके बनके बनके ये दुल्हन हया हो गई मैं खुद के लिए एक सजा हो गई के लिए एक सजा हो सत्यवरी सत्य गाना बजाना टीटू भैया यहाँ कहना नहीं पड़ता कि इसमें ये लगा है आज पूरा हिसाब होगा कर लेते हैं आज पूरा हिसाब किताब होगा आज आइए जो गीत आया है सचदेवा जी गीत बढ़िया है बढ़िया है लेकिन सचदेवा जी आपसे कह रही हूँ गीत बढ़िया है बढ़िया लेकिन आपने जो कहा है एक लाइन दे लीजिएगा और उसमें सुधार कर लीजिए केवल आपने तुक मिलाने के चक्कर में देखिए क्या किया मैं उमा थी कि मैं उमा थी उमा से रमा बन गई आदरणीय जन समुदाय सचदेवा जी की लाइन कह रही है मैं उमा थी उमा से रमा बन गई सचदेवा जी बस यही लाइन केवल तुकांत जोड़ने के लिए आपने माता सती को उमा बता दिया उमा तो बाद में हुई है गाने को देखिए अभी उमा तो बाद में हुई है बहुत बहुत धन्यवाद है ये सब पढ़ाई लिखाई के मजे हैं बेटे वो केवल सती थी माता सती लेकिन आपने तुकांत के जोड़ने के लिए उमा को बना लिया अरे जब सती का देह इनके अध्यापक अलग थे जब सती ने देह त्याग कर दिया वाह तब माता उमा बनी लेकिन आइए आपका जो गीत है गाने को आप जाने आपका गीत है आप जाने लेकिन आए एक बार हुआ क्या क्या बेटे भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा कीजिएगा भगवान भोलेनाथ को ब्रह्म हत्या लग गई जब ब्रह्म हत्या लग गई तो देखिए उस हत्या से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ ने किया क्या क्या बेटे भगवान भोलेनाथ गौ माता के उदर में समा गए जब उदर में समा गए तो मेरी लाइन कह रही है सुने क्या, क्या? जब शिव जी स्वयं क्या बात है राजा
कृपा। जब शिव जी स्वयं कबूतर में गए, जब शिव जी स्वयं कबूतर में गए, मानो जैसे बोहर अपने घर में गए। इस तरह प्रवेश कर गए जैसे वो अपने घर में गए हो, कि मानो जैसे बोहर अपने घर में गए। गाय के पेट में हुआ उज्जवल तन। सत्यबाजी एक एक लाइन को सुनिए, सुनते रहिए। गाय के पेट में हुआ उज्जवल तन, था दुखी पर खिला वहाँ शिव जी कमन। गाय के पेट में जाते ही वो जो दुख है उनके हृदय में ब्रह्म हत्या का प्रफुल्लित हो गए। तो मेरे मन का पूछा था जला दिया, कि मेरे मन का पूछा था जला है दिया। बे मिल के कि बे निकल के उधर से वो वर दे दिया। भगवान भोलेनाथ गाय के पेट से आए तो देखिए उन्होंने गाय को वरदान दे दिया। देखिए वरदान क्या दिया भैया जी, सुने क्या बोले क्या भैया जी? वरदान दे दिया नंदी को, और वरदान क्या दिया सुने सुने। जैसे गाय के पेट से निकल कर आए, बे निकल के उधर से और वर दे दिया। वरदान क्या दिया? कि तन था कलुषित मेरा, ये तन जो ब्रह्म हत्या से लीन था, कि तन था कलुषित ये मेरा खुशी से तन गया। कहा भैया जी, जब वरदान दिया तो नंदी के कहने पर हुआ क्या? कि तन था कलुषित मेरा खुशी से तन गया। तू हमारा नंदी, तू हमारा था सुत अब पिता बन गया। क्योंकि गाय हमारी माता है, वो जब मैंने वरदान दे दिया तो तुम मेरे पुत्र थे, लेकिन आज से मेरे पिता बन गए। तो तू हमारा था सुत अब पिता बन गया। पिता बन गया, पिता बन गया, पिता बन गया, बन गया पिता, 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 बन गया। आइए एक पंक्ति और सुनेगा। एक बार हुआ क्या, हनुमान जी महाराज लक्ष्मण शक्ति लग चुकी है, बूटी को लेने को जाए कौन। हनुमान जी महाराज जाने लगे, बूटी लेकर आए हनुमान जी महाराज के द्वारा। जैसी बूटी प्राप्त हुई, वैद्य जी ने घोल कर पिलाई तो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो उधर श्री राम जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, आज तुमने लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं, आज से तुम हमारे जनक हो गए। वाह बेटे, तो कहना पड़ा भैया जी, आज से तुम हमारे जन्मदाता हो गए, तो कहना पड़ा। सुने सुने, बूटी लेकर के हनुमान जी आ गए। जो है क्या बात, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। पल खुशी के वहां पर छा गए, फिर नामदल में खुशी के फल आ गए। अपने सीने से प्रभु ने लगाया उन्हें, किनको किसको, हनुमान जी महाराज को जाए। कि अपने सीने से प्रभु ने लगाया उन्हें, प्रेम अद्भुत हरि ने दिखाया उन्हें। I'm gonna hide it.
कष्ट हमने बहुत कि कष्ट हमने बहुत कपुराई है सहा क्यों क्यों लगा सीने से कपि को प्रभु ने कहा और कहा क्या काम बिगड़ा बन गया कि काम बिगड़ा हुआ था अब बन गया तू हमारा था सुत लेकिन आज जब तूने पुनः जीवन दान दिया तू हमारा था सुत अब पिता बन गया पिता बन गया जवाब सुने सुने तू हमारा तसुत कि ओ मेरे सजन पर साथ में आ सावन की बहुत अच्छी लगती है अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो पढ़ो जाओ भैया जी थोड़ा इसको बनाए रखिए क्योंकि आपकी कृपा से ये सब बात चल रही है सुने सावन की अंधेरी रातों में भैया जी अपनी बहन से सहायता मांगी तो हुआ क्या क्या बेटे कहना क्या असुर राज बेटे से तंग हो गया असुर राज बेटे से तंग हो गया उसका समृद्ध जीवन बेरंग हो गया उपाय पड़े से पड़े किया पे गया हार उपाय पड़े से पड़े किया पे हार गया हार उपाय पड़े से पड़े किया पे गया हार पहलाद को किसी भी तरह से सका न मार पहलाद को किसी
की थी बहन होलिका, उसको मिला वरदान। चलती हुई ज्वाला में बैठ करती थी स्नान, पर के घमंड में वो होलिका गई थी। पर के घमंड में वो होलिका गई थी। प्रह्लाद को लेकर के अग्नि में गई में जपते हैं हरि नाम। प्रह्लाद जलती आग में जपते हैं हरि नाम। और देखिए वो हरि नाम किस प्रकार जग रहे हैं भैया जी, किस प्रकार से जप कर रहे हैं हरि नाम का। किस तरह से वो जलती आग में हरि नाम सुमरण कर रहे हैं प्रह्लाद जी, सुनेगा सुने। यहाँ से गाना प्रारंभ होता है। जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सुने कि माया है ये माया, माया रचती माया, तो माया ने माया कर कर के सबका जी भरमाया। तो कि सोचा ना था ऐसा जैसा आज हुआ, समझिए कि सोचा ना था बच गया है भतीजा, चल गई बुआ। सत्यवा जी मेरी लाइन कह रही है, समझते रहिए, कि सोचा ना था ऐसा जैसा आज हुआ, बच गया है भतीजा, चल गई बुआ। क्योंकि होलिका को तो वरदान था, बच गया है भतीजा, चल गई बुआ। आइए त्रेता युग में एक प्रसंग मिला। जब रावण के कुल का विनाश करवा दिया, जब करवा दिया तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या, माया है ये माया है, जब ते, जब ते, जब ते, जब ते,
आवाज दीजिए, लेकिन पहले गीत को सुनिए। सुन लेना पहले, पहले सुन लेना, बाद में मोबाइल देखना। कि माया है, कि माया है, ये माया है, माया की माया है, रावण की बहन की माया है। तो जिसने रच दी ये माया है, और माया क्या रच दी, एक लख पूत सबालख नाती, एक लख पूत सबालख नाती, तो सबका सफाया सदा देती रही सब को बद्दुआ। तुम मर गए हैं भतीजे, तुम मर गए हैं भतीजे, बच गई बुआ। बच गई बुआ। ये दूसरा टुकड़ा सुनिएगा, विशेषताओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जब शिशुपाल का वध कर दिया भगवान कन्हैया ने, तो देखिए शिशुपाल की माता ने एक प्रश्न कर दिया, कहा कन्हैया समझते रहिए, ओ माया रे, कि माया है ये माया, बुआ को भी फरमाया, कहा कन्हैया तूने तो, कि तूने तो कहा ना मारूंगा, फिर क्यों कहना पड़ा। क्या बेटे, जो होना था वही तो हुआ, ये तो निश्चित था। सलामत है भतीजा, सलामत बुआ। शिशुपाल मारा गया, लेकिन जो शिशुपाल की माता है वो कन्हैया की बुआ है। आइए, कलयुग में एक प्रसंग मिला, वो भी अनोखा। भैया जी, मैं चाहती हूँ अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो तालियों से आशीर्वाद चाहूंगी। सुने सुने,
आज आज जो हमको वर्तमान में मिला जो मिला तो मेरी बनती करेगी। कुछ लोग पहले से ही समझ चुके हैं। इसलिए सोचा था अखिलेश माया ने आपस में हम सब बन लेंगे, ओए आपस में हम सब बन लेंगे। लाल चंद्र यदि पड़ी जरूरत हम सब कर गठबंधन लेंगे, आगे खाई खुदी पीछे कुआ। और मायावती और अखिलेश आपस में कि आगे खाई खुदी पीछे कुआ, तो डूबा है भतीजा डूबी जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये रही तर्ज। जय जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश मेरा, तो वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। आइए कट पीस बिल्कुल साधारण सा है लेकिन
है तो पैसा वापस। देखिए 2022 में चुनाव के सभी दलों ने अपने अपने दावा किए, अपने अपने दावा किए कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन परिणाम क्या आया? परिणाम क्या आया वो आप लोग जानते हैं। जब परिणाम आया तो देखिए यहाँ अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, जहाँ जन समुदाय अधिक शिक्षित हो, सभी लोग विद्वान हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। सुने सुने, सुने। 2 पे बाजी हाथ ने मारी, लाज लुटे ना अब बहनों की, ना होगा खून खराबा। अगर इसके विपरीत आए तो होगा क्या? क्या बने? कि लाज लुटे ना अब बहनों की, ना होगा खून खराबा। तो आ गए बुलडोजर बाबा, आ गए बुलडोजर बाबा। आ गए बुलडोजर बाबा, आ गए
हाँ भैया कुछ पुरस्कार आया है,